मेष राशि, चंद्रमा के द्वादश होने के कारण कार्य में विलंब, आर्थिक व्यय तथा मानसिक उलझन का सामना करना पड़ सकता है। नकारात्मक कार्य से आज बचिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य और अवश्य करिएगा। सफलता का मीटर आज 75%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 65% अंक प्रदान करता है। सिंह राशि, अष्टम भाव का चंद्रमा थोड़ा मानसिक उलझन दे सकता है और आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास निश्चय ही सफल होता हुआ दिखाई देता है। आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। यदि निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान करें तो दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। धनुराशि, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आज आपको भूमि से संबंधित निश्चित लाभ देगा और आर्थिक रूप से आपके द्वारा किया गया प्रयास भी सफल होगा। आज अप्रिय भाषा बिल्कुल मत बोलिएगा। आज बजरंग बाण का पाठ करिए, निश्चित रूप से दिन बेहतर बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मीन राशि, राशि पर गोचर कर रहा चंद्रमा मन को चंचल बनाएगा, लेकिन पहले के निवेश से बड़ा आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अनावश्यक किसी के कार्य में हस्तक्षेप मत करिएगा, नहीं तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए, दिन के सभी कार्य संपादित होंगे। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि माँ दुर्गा का आखिर वो महामंत्र कौन सा होता है जिसके जाप से नवरात्र के दौरान सभी दर्शकों पर माँ अम्बे की कृपा बनेगी। नवरात्रि में माता के नौ स्वरूप का पूजन विशेष रूप से बताया गया है। दुर्गा सप्तशती का अत्यंत प्रिय मंत्र है। प्रथमम शैल पुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमम स्कंधमातेति खष्टम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्, नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। अर्थात नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री, दूसरे दिन जगदम्बा ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा, चौथे दिन माता कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठवें दिन माता कात्यायनी, सातवें दिन माता कालरात्रि और आठवें दिन माता गौरी और नौवें दिन माता सिद्धिदात्री के पूजन का विधान बनाया गया है। यदि नियम पूर्वक इन नौ दुर्गा का पूजन श्रद्धा से किया जाए तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सहजता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है।